discovered! हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं झारखंड के रांची शहर में जितना भी गवर्नमेंट जॉब होता है वहाँ उसका एग्जाम कहाँ पर दिया जाता है। तो अगर आपका एड्रेस में प्रगति पथ है दोस्तों तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो आज आप लोगों को यही दिखाने वाले हैं रांची के जो प्रगति पथ एरिया है कहाँ पर एग्जाम सेंटर दिया जाता है। तो आप लोगों को अभी लेके चलते हैं वहाँ का एग्जाम सेंटर दिया जाता है। दोस्तों जितना भी गवर्नमेंट जॉब होता है ना, जैसे SSC GD, SSB हेड कॉन्स्टेबल, एयरफोर्स, आर्मी, ऐसे और भी बहुत सारे जॉब जितना भी होता है उसका रांची में एग्जाम सेंटर कहाँ पर दिया जाता है वही इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो रांची में बहुत जगह देता है एग्जाम सेंटर, लेकिन हम प्रगति पथ के एरिया के बारे में बताने वाले हैं। प्रगति पथ में दो ही जगह देता है, एक अरुणुमा टेक्निकल और एक ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में दिया जाता है एग्जाम सेंटर। तो अभी हम आप लोगों को वही बताने वाले हैं रेलवे स्टेशन से एग्जाम सेंटर कितना दूर है और बस स्टैंड से एग्जाम सेंटर कितना दूर है। तो आप लोग वीडियो में पूरे बने रहना दोस्तों। तो अभी हम पहले रेलवे स्टेशन से एग्जाम सेंटर कितना दूर है वही बताते हैं आप लोग। दोस्तों रांची रेलवे स्टेशन से एग्जाम सेंटर की दूरी है 2 किलोमीटर। आप लोग ऑटो से भी आ सकते हैं, 20 या 30 रुपया लगेगा। दो तरफ से रास्ता है, एक बहु बाजार से और एक चुटिया तरफ से रास्ता। चुटिया तरफ से ये वाला रास्ता जाता है और अभी हम आप लोग बहु बाजार चौक लेके चलते हैं। दोस्तों ये है बहु बाजार, ये वाला ही बहु बाजार है, थोड़ा सा दूरी आया दोस्तों। पिछले जहाँ चौक में थे वो चुटिया होते हुए पहुँचा देगा और ये वाला आपका 1 किलोमीटर दूरी प्रगति पथ एग्जाम सेंटर मिल जाएगा इधर ये रोड से। मेरा मानिए यही वाला रोड से आप लोग जाइए दोस्तों, क्योंकि वो चुटिया वाला रोड में थोड़ा जाम ज़्यादा हो जाता है, ये वाला रोड में ज़्यादा जाम नहीं हो पाता है, तो आप लोग जल्दी पहुँचेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल और यहाँ पर अभी भी देख सकते हैं कितना भीड़ है, दूर दूर से लोग आए एग्जाम देने के लिए इस ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में। ये काफ़ी नामी ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल है दोस्तों, आप लोग मैप के द्वारा भी आ सकते हैं। यहाँ पर स्कूल भी चलता है दोस्तों और एग्जाम जिसका होता है बाहर से वो लोग का भी एग्जाम यहाँ पर चलता है। काफ़ी बड़ा स्कूल है दोस्तों, CBSE बोर्ड है, लोग यहाँ पर एग्जाम देने के लिए भी आए हैं। देख ही सकते हैं आप लोग कितना भीड़ है इस ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में। अभी हम आप लोगों को बताते हैं अरुणुमा टेक्निकल जो है वो कहाँ पर है वो आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों। आप लोग ऑक्सफोर्ड पब्लिक से किधर मुड़ना है वो भी बताते हैं आप लोगों को। दोस्तों इस ऑक्सफोर्ड स्कूल से आप लोगों को राइट टर्न लेके 100 मीटर की दूरी आप लोगों को जाना है, तो आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा अरुणुमा टेक्निकल सर्विसेज दोस्तों। तो अभी हम आप लोगों को लेके चलते हैं दोस्तों अरुणुमा टेक्निकल एग्जाम सेंटर में। दोस्तों ये है अरुणुमा टेक्निकल सर्विसेज एग्जाम सेंटर। तो अभी हम कांटाटोली चौक और खादगड़ा बस स्टैंड से एग्जाम सेंटर की दूरी कितना है वो आप लोगों को बताते हैं। कांटाटोली चौक और खादगड़ा बस स्टैंड दोनों एक जगह स्थित है और यहाँ से एग्जाम सेंटर के लिए आप लोगों को लोआडी वाला रास्ता से जाना पड़ेगा जो कि सामलोंग होते हुए जाता है। तो अभी हम आप लोगों को लेके चलते हैं और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूरी है। ये है लोआडी वाला रोड, इसे सामलोंग पुराना लोआडी भी बोला जाता है दोस्तों। इधर से राइट टर्न लेके आप लोगों को सीधा 1 किलोमीटर दूरी जाना होगा, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा एग्जाम सेंटर। तो वहाँ से आने के बाद आप लोगों को राइट साइड में ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल मिल जाएगा और यहाँ से ऑपोजिट लेफ्ट साइड में आप लोगों को अरुणुमा टेक्निकल सर्विसेज एग्जाम सेंटर आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये है अरुणुमा टेक्निकल सर्विसेज एग्जाम सेंटर, उसके जस्ट नीचे में आप लोगों को एक दुकान दिखेगा अंकित हार्डवेयर नाम का। और यहाँ पर छुट्टी के समय यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना भीड़ हो जाता है ई रिक्शा से, टुक टुक से। तो यहाँ पर आप लोगों को रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के लिए ऑटो मिल जाएगा, 20 या 30 रुपया लगेगा। और इधर राइट साइड में आप देख सकते हैं ये रोड जो जा रहा है, बैग रखने का भी सुविधा है। आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारी जानकारी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों और जय हिंद। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।